जब 1971 में ही भारत को मिल सकती थी यूएनएसएससी में स्थायी सदस्यता। तब तत्कालीन पीएम नेहरू की छोटी सी गलती से भारत ने गंवा दिया था सुनहरा मौका। ताइवान के पास थी यूएनएसएससी की स्थायी सीट, तो चीन ने कैसे कर लिया इस पर कब्जा? दोस्तों, आज भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी धमक दिखाने के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की लड़ाई लड़ रहा है, जो भारत जैसे ताकतवर देश के लिए बेहद जरूरी है और उसका हक भी है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज से कई दशक पहले ही भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल कर चुका होता अगर उस वक्त के भारत के नेतृत्व ने दमदारी के साथ इसके लिए आवाज उठाई होती। दरअसल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पहले ताइवान के पास थी, जिसे चीन ने 1971 में तमाम उठापटक के बाद हासिल किया था। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर भारत ने उस वक्त दमदारी से इसका विरोध किया होता और अपने लिए मांग की होती तो ये भारत को मिल सकती थी। लेकिन उस वक्त भारत की मौजूदा सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रही थी। तो आइए जानते हैं इतिहास में दबी इस मामले की पूरी रोमांचक कहानी। तमाम ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने वाला ये वीडियो आपको हिला डालेगा, तो आखिर कर बने रहिए हमारे साथ। खुद कांग्रेस नेता ने किया दावा कि पीएम नेहरू ने गंवाया था मौका। अमेरिका भारत को दिलाना चाहता था यूएनएसएससी में स्थायी सदस्यता। 1962 के युद्ध के बाद भी भारत ने चीन को समर्थन देकर कर दी भूल। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में दावा किया है कि 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने चीन को दे दिया। थरूर ने लिखा है कि भारतीय राजनयिकों ने वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इनकार का जिक्र था। थरूर के मुताबिक नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी, जबकि अमेरिका उस वक्त चीन के खिलाफ इस वजह से था क्योंकि वो चीन में मचे गृह युद्ध में कुओमिंतांग मतलब केएमटी को अपना समर्थन दे रहा था, जबकि रूस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन दे रहा था। लेकिन रूस चीन में कामयाब हुआ था और रूस की वजह से ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया भर में समर्थन हासिल हुआ था। अमेरिका इसी वजह से चीन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के खिलाफ था, क्योंकि इससे रूस यूएनएसएससी में मजबूत हो रहा था, जबकि भारत उस वक्त अगर अमेरिका की वजह से ये सीट हासिल करता तो भारत पर अमेरिका की पकड़ मजबूत हो जाती, जो रूस के लिए झटका साबित होता। लेकिन भारत ने इस सदस्यता में अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया था और अब भारत को इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए चीन के उस सिविल वॉर को जानना बेहद जरूरी है जो केएमटी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ था। दरअसल चीनी गृह युद्ध 1927 से 1949 तक चला था। ये राजनीतिक और विचारधारा के वर्चस्व की लड़ाई थी। इसमें एक पक्ष के नेता चियांग काई शेक थे, जिनका दल कुओमिंतांग या राष्ट्रीयतावादी पार्टी था, जबकि दूसरे पक्ष के नेता माओ त्से तुंग थे, जिनका दल था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ये युद्ध 1927 में शुरू हुआ। इस दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को भयंकर नुकसान हुआ और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। 1937 से 1945 के बीच जापान के हमले की वजह से दोनों दलों ने कंप्रोमाइज कर लिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध था जिसमें चीन जापान आमने सामने आ गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों दल फिर से जंग में कूद पड़े। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस वक्त सोवियत यूनियन से सपोर्ट हासिल किया, जबकि कुओमिंतांग ने अमेरिका से समर्थन हासिल किया। गांवों के इलाकों में कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन मिल रहा था, जबकि शहरी इलाकों में केएमटी बढ़त बनाए हुए थी। लेकिन आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया और चीन में 1 अक्टूबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। वहीं चियांग काई शेक और उनकी सरकार ताइवान भाग गई, जहां उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनाई और ताइवान पर शासन किया। आज तक ताइवान को चीन के विवादित इलाके के रूप में देखा जाता है और दोनों सरकारें खुद को चीन के रूप में मान्यता दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ती रही। 1949 तक ताइवान को चीन के तौर पर सुरक्षा परिषद में मान्यता दी जा रही थी।
जबकि कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। 1971 में यूएनजीए में पारित किया गया प्रस्ताव 275 एक्ट अमेरिका के विरोध के बाद भी चाइना को चीन के तौर पर मिली मान्यता। इसके साथ ही ताइवान के वीटो पर चीन हुआ था काबिज, भारत ने किया सपोर्ट। 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चीन के लिए प्रस्ताव 275 एक्ट पारित किया। अमेरिका इसका पुरजोर विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन की वजह से चीन को विजय मिली। इस प्रस्ताव के समर्थन में 76 देशों ने वोट किया था, जबकि 35 देशों ने इसका विरोध किया था, जबकि 17 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। सोवियत यूनियन ने इसके लिए अपने दबदबे का उस वक्त इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से अधिकतर विकासशील देशों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का समर्थन किया था। इस तरह से चाइना को चीन के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिली। इसके साथ ही चीन को ताइवान की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल गई। भारत चाहता तो इस सीट के ट्रांसफर का जमकर विरोध कर सकता था और कई विकासशील देशों का विरोध दर्ज करा सकता था, जिससे कि चीन की जगह भारत को ये सीट मिल जाती, क्योंकि अमेरिका खुद ही चीन के खिलाफ था और भारत को वीटो दिलाना चाहता था। इसका सबूत नेहरू की बहन और उस वक्त अमेरिका में भारत की राजदूत रहीं विजय लक्ष्मी पंडित के पत्र से मिलता है। चीन की सरकार को मान्यता देने के साल भर के अंदर 24 अगस्त 1950 को नेहरू को अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित का पत्र मिला था। विजय लक्ष्मी पंडित उस वक्त अमेरिका में भारत की राजदूत थीं। इस पत्र में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने भाई को लिखा था, अमेरिका के विदेश मंत्रालय में चल रही एक बात तुम्हें भी मालूम होनी चाहिए, वह है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाली सीट से ताइवान के राष्ट्रवादी को हटाकर उस पर भारत को बिठाना। इस प्रश्न के बारे में तुम्हारे उत्तर की रिपोर्ट मैंने अभी अभी रॉयटर्स समाचार एजेंसी में देखी है। पिछले सप्ताह मैंने जॉन फॉस्टर डलेस और फिलिप जेसप से बात की थी। दोनों ने यह सवाल उठाया और डलेस कुछ अधिक ही व्यग्र लगे कि इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए। पिछली रात वॉशिंगटन के एक प्रभावशाली कॉलम लेखक मार्कस चाइल्ड से मैंने सुना कि डलेस ने विदेश मंत्रालय की ओर से उनसे इस नीति के पक्ष में जनमत बनाने के लिए कहा है। मैंने हम लोगों का रुख उन्हें बताया और सलाह दी कि वे इस मामले में धीमी गति से चलें, क्योंकि भारत में इसका गर्मजोशी के साथ स्वागत नहीं किया जाएगा। जॉन फॉस्टर डलेस 1950 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक शांति वार्ता प्रभारी हुआ करते थे। 1953 से 1959 तक वे अमेरिका के विदेश मंत्री भी रहे। फिलिप जेसप एक लॉ स्कॉलर और अमेरिकी राजनयिक थे, जो नेहरू से भी मिल चुके थे। विजय लक्ष्मी पंडित का ये पत्र और 30 अगस्त 1950 को भेजा गया जवाहरलाल नेहरू का जवाब नई दिल्ली के नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय में मिले थे। नेहरू ने अपने उत्तर में लिखा था कि तुमने लिखा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाली सीट पर से चीन को हटाकर भारत को उस पर बिठाने का प्रयास कर रहा है। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम इसका अनुमोदन नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि से यह एक बुरी बात होगी, चीन का साफ साफ अपमान होगा और चीन तथा हमारे बीच एक तरह का बिगाड़ भी होगा। मैं समझता हूं कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय इसे पसंद तो नहीं करेगा, किंतु इस रास्ते पर हम नहीं चलना चाहते। हम संयुक्त राष्ट्र में और सुरक्षा परिषद में चीन की सदस्यता पर बल देते रहेंगे। मेरा समझना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अधिवेशन में इस विषय को लेकर एक संकट पैदा होने वाला है। कम्युनिस्ट चीन की सरकार अपना एक पूर्ण प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने जा रही है। यदि उसे वहां जाने नहीं दिया गया, तब समस्या खड़ी हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि सोवियत संघ और कुछ दूसरे देश भी संयुक्त राष्ट्र को अंततः त्याग दें। यह अमेरिकी विदेश मंत्रालय को भले ही जंचे, लेकिन उस संयुक्त राष्ट्र का अंत बन जाएगा जिसे हम जानते हैं। इसका एक अर्थ युद्ध की तरफ और अधिक लुढ़कना भी होगा। इस तरह से 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद भी भारत ने चीन का समर्थन किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत के उस वक्त के कमजोर रवैये को दिखाता है, जबकि भारत को चीन को मिल रही इस ताकत के खिलाफ ताकत झोंक देनी चाहिए थी। वहीं गलवान में हिंसा के बाद से मौजूदा भारत सरकार चीन का हर मोर्चे पर विरोध कर रही है और भारत को आज
इसी वीटो के लिए सबसे ज्यादा चीन से ही संघर्ष करना पड़ा रहा है। चीन अपने वीटो का इस्तेमाल भारत के दुश्मन पाकिस्तान के लिए भी करता है। वो पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करता है। भारत इसका भयंकर विरोध दर्ज करा चुका है। भारत का तर्क है कि वीटो ताकत का इस्तेमाल किस बेस पर किया जाता है, इस बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने के विरोध में इस ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? माना जाता है कि नेहरू चीन की कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन इस वजह से भी करते थे क्योंकि वो खुद विचारधारा के तौर पर कम्युनिज्म का समर्थन करते थे, लेकिन निजी विचार की वजह से अपने देश को मिल रही ताकत गंवाना कितना सही है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट में जरूर रखें।